मधुबनी गोलीकांड में दो बीजेपी विधायकों की भूमिका संदिग्ध है। अपराधियों को संरक्षण है। सबसे बड़ा आर्म्स तस्कर है जो मैं गया नवीन झा बाहर में है और वह उनके दो चाचा और उनके भाई को मारना चाहते हैं। इंस्पेक्टर में हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। इंस्पेक्टर को मॉब ने नहीं साजिश ने मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया। भाजपा के आईटी सेल के अध्यक्ष ने गोली मारा निर्मल भवना को जो एसपी ने स्वीकार किया। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मधुबनी गोलीकांड को लेकर बिहार की सियासत लगातार गर्म है। इस बीच पप्पू यादव जाप सुप्रीमो ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है नवीन झा और परवीन झा दोनों ही बिहार में हथियार सप्लायर है और ऐसे में परवीन झा जो कि पुलिस के गिरफ्त में है पर अभी भी नवीन झा जो कि परवीन झा का भाई है वो बाहर घूम रहा है और कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिजन हैं उसे भी मारने की साजिश नवीन झा लगातार रचने की कोशिश कर रहा है और दो बीजेपी के विधायक इन तमाम गतिविधियों में कहीं ना कहीं नवीन झा का साथ देते नज़र आ रहे हैं। और साफ तौर पर पप्पू यादव का कहना है कि पीड़ित परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, साथ ही साथ इन तमाम मधुबनी गोलीकांड जो है उसकी CBI जांच हो। क्या कुछ करें जा आप सुप्रीमो पप्पू यादव, जरा आप वो सुनिए। 85 में बिहार और निजी क्षेत्रों में आरक्षण आप संकल्पित करिए। निजी क्षेत्रों के आरक्षण और 85% बिहार के युवाओं की रोजगार की लड़ाई के साथ आज की पुण्यतिथि को समर्पित करते हैं और इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यही आज का सबसे बड़ा युवा मोर्चा का की लड़ाई थी। अंतिम में राजनीतिक दो बातें। पहली बात है प्लीज सत्ता पक्ष और विपक्ष, मधुबनी गोलीकांड में दो बीजेपी विधायकों की भूमिका संदिग्ध है। अपराधियों को संरक्षण है। नवीन झा जी जो सबसे बड़े आर्म्स के तब सप्लायर हैं परवीन झा और नवीन झा, जिसमें भोला सिंह और अन्य क्रिमिनल भी इन्वॉल्व है। सबसे बड़ा आर्म्स तस्कर है जो मैं गया नवीन झा बाहर में है और वह उनके दो चाचा और उनके भाई को मारना चाहता है। सरकार उसकी सुरक्षा करे। और इस दोनों विधायक एक पूर्व मंत्री और एक और भाजपा के मधुबनी के विधायक बचाओ बिस्पी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचाओ उसका नाम है, वह कंप्लीट रूप से हरिभूषण ठाकुर इस में इन्वॉल्व है। तो तीसरा इंस्पेक्टर में हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। इंस्पेक्टर को मॉब ने नहीं साजिश ने मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया। उसको एक जगह चोट है माथे में हल्का अलग से। मॉब मारता तो कपड़े फटते, गाड़ियां क्षति होती, अन्य पुलिस को भी लगता। हार्ट अटैक दिखाया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। हम CBI इंक्वायरी तीनों की मांग करते हैं। कटिहार में भाजपा के आईटी सेल के अध्यक्ष ने गोली मारा निर्मल भवना को, जो SP ने स्वीकार किया और शूटर बना के तो भाजपा का एक वरिष्ठ नेता ने मरवाने का काम किया। हम तीनों घटना का डिमांड करते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष का चरित्र संदिग्ध है और बिहार को जातीय उन्माद में धकेलना चाहती है जो जन अधिकार पार्टी नहीं होने देती। तो आपने सुन लिया जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को जब साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि परवीन झा जो कि पुलिस के गिरफ्त में है और नवीन झा जो अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि मधुबनी गोलीकांड में जो पीड़ित परिजन हैं जो बच गए हैं जो नरसंहार में कहीं ना कहीं उनकी जान बची है उसे भी मारने की कोशिश की जा रही है और रणनीतियाँ तैयार की जा रही है। नवीन झा इन तमाम गतिविधियों पर नज़र रख रहा है और कोशिश कर रहा है कि बचे हुए पीड़ित परिजनों को
वो मार डाले जिसको लेकर सुरक्षा की गुहार लगाते नजर आ रहे थे। पप्पू यादव की पीड़ित परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराए बिहार सरकार, साथ ही साथ मधुबनी हत्याकांड का सीबीआई जांच हो। लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।